हाय गाइस, लास्ट 3 डेज बचा हुआ है एमएच लॉ सिटी 5 ईयर्स 2021 के एग्जाम्स को लेकर के। और आज मैं खुद लॉ सिटी 3 ईयर्स का एग्जाम लिख के आ रहा हूँ। सो पूरी एनालिसिस जो हुई है सिटी को लेकर के, एमबीए की, एमसीए की, लॉ सिटी 3 ईयर्स की, ये क्लियर हो गया है कि पेपर आपका जंबल फॉर्मेट में आने वाला है। सो वंस अगेन, जितने लोगों को पता नहीं है कि इस साल पेपर जंबल फॉर्मेट में होने वाला है, ये वीडियो शेयर कर दो, उनको बता दो भाई जंबल फॉर्मेट के लिए रेडी रहना है, ठीक है। सो 3 ईयर्स के अंदर 2 सेक्शन थे, इंग्लिश और उसके बाद लॉजिक, लीगल एंड जीके को लेकर के दूसरा सेक्शन। 5 ईयर्स में आई डाउट ऐसा कोई सेक्शन होगा, अगर हुआ तो अच्छी बात है, बट मोस्टली 90% आई एम एक्सपेक्टिंग कि जंबल होगा। सो दैट इज वन। सेकेंड, क्या क्या अभी प्रिपेयर करना चाहिए। ऑलरेडी वी हैव डन लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन। जंबल मॉक एंड ओल्ड पैटर्न मॉक अगर नहीं लिखा है तो उस पर वर्कआउट करो, एंड आपकी जो 2025 स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप करो। सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन। मैंने पूरा नोट्स बनाए हुए हैं और जितना मैंने गाइड किया था एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके मॉक से हैं, जीके बूस्टर से हैं, एक्चुअल मतलब मैनुअल की बुक से क्वेश्चन है यार, मतलब वही उठा करके क्वेश्चन वहाँ पे रख दिया। और जो लेक्चर्स में हम पढ़ाते हैं वो सेम टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं, तो इतना सब देखने को मिला। बेसिकली लॉजिक में आपको क्या करना है, एनालॉजी लिखो, लिखो हाँ, वीडियो को पॉज करके आराम से लिखो, एनालॉजी, ऑड मैन आउट, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, देखो लेटर सीरीज और नंबर सीरीज, इसको अच्छे से कर लेना। यहाँ से तो अच्छे खासे क्वेश्चन, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से। आफ्टर देन आपका सिलॉजम, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये तो आपने प्रिपेयर किया होगा इसमें से सम ऑफ द टॉपिक। बट अभी क्या है, एसएससी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी का पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ट्रेडिशनल लॉजिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अरेंजमेंट एंड पजल कर लेना, ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन पजल्स के अरेंजमेंट के आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल कम है, ये लॉजिक से अपने को वर्कआउट करना है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम सैम्पल क्वेश्चन का, कुछ सैम्पल देखते हैं। ऑडमेन आउट में हॉर्स, जेब्रा, लायन एंड टाइगर, ऑडमेन आउट निकालो, ये क्वेश्चन टाइप थोड़ा सा। टेनिस हम लोग कोर्ट में खेलते हैं तो हम लोग बॉक्सिंग कहाँ पे खेलेंगे, ये क्वेश्चन। ब्रेक थ्रू को लेके कोडिंग डिकोडिंग था, और कंपनी को लेके कोडिंग डिकोडिंग, वो क्वेश्चन तो अपने लेक्चर्स में ही कवर होता है। आफ्टर देन लेटर सीरीज को लेकर के ए हो गया, ई हो गया, आफ्टर देन आपका लेट से कि क्यू हो गया, तो आगे क्या लेटर आएगा, दिस इज़ वो द रफ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू। सेम गोज टू द दिस नंबर सीरीज, ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, उसके बाद लेटर और नंबर के कॉम्बिनेशन वाला भी सीरीज, वो अच्छे से कर लेना। ये टाइप के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही रिपीट हुए हैं लॉजिक में। एनालॉजी में वर्ड एंड डिक्शनरी, उसका कुछ तो ऑप्शन था याद नहीं आ रहा है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आ रहेगा इस, तो इतना टफ नहीं है। आपके पास अगर मैनुअल की बुक है वहाँ से पूरे ये जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेना, उसका क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके जाओ, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है। आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट द मैथ्स, क्योंकि यार एसएससी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये दो टॉपिक ऐड कर लेना along with your arithmetic, percentage, profit and loss ratio, time spent, distance, time and work। मैं सिर्फ ये डर रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन मैथ से ना पूछ देने, तो फिर वहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा लगेगा। सो अगर ऐसा होता भी है सो अपने को टेंशन नहीं लेना, वो पाप सबको झेलना पड़ेगा बेसिकली, तो सबके साथ वो होने वाला है, टाइम वहाँ पे सबका जाने वाला है। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि नंबर ऑफ क्वेश्चन माइट गेट इंक्रीज, ऑल्दो आई एम ऑल्सो राइटिंग एम एच लॉ सिटी 5 ईयर्स का एग्जाम, और आपको उसकी भी एनालिसिस आई विल बी गिविंग यू, बट मोस्टली ये मेरा इंट्यूशन है कि शायद मैथ्स को लेके क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, मोस्टली मैं जो सोचता हूँ वो होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, डरा नहीं रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा अलर्ट रहना है मैथ्स को लेकर के। कमिंग टू द इंग्लिश, इंग्लिश में आपको वोकैब वाले क्वेश्चन और फिलअप क्वेश्चन दोनों भर भर के हैं, वोकैब, एंटोनियम, सिनोनियम्स एंड फिल इन द ब्लैंक, सिंगल लाइनर एंड डबल लाइनर, ये क्वेश्चन भर भर के हैं, तो आपके मैनुअल की बुक से उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, और स्पेल चेक थोड़ा सा देख लो, और आपके वोकैब वाले सेक्शन में से स्पेल चेक एंड या idioms को लेकर के RC, ये टाइप के क्वेश्चंस को वर्कआउट करो। इंग्लिश को लेकर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे debilitate मतलब वीकेन करना होता है, इसको लेकर के वर्ड आया था आपका, eccentric है ना, उसके बाद vocab जो आ रहे हैं वो इस टाइप के vocab है, penury का मतलब क्या होता है, एंड pros and cons phrase, pros and cons आया था उसका मतलब क्या होता है। सो बहुत ईजी था ये सब इंग्लिश का सेक्शन। अगर मल्टीपल मैरिज कर रहे हो, अगर एक से ज़्यादा वाइफ है तो क्या बोलते हैं उसको, है ना, सो ये सारे टाइप के क्वेश्चन है। फोस्टर का मीनिंग क्या था, ये सब वोकैब वाले क्वेश्चन है जो मैंने थोड़े लिखे थे मेरे एग्ज़ाम के अंदर। सेम वे अदर एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के वोकैब आए, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में ये सब चीज़ें वर्कआउट करना है, तो अपन ने प्रिपरेशन की है, सिर्फ एक रिवाइज कर लेना यार बस। ओके, नेक्स्ट इज़ जीके। जीके में आपको स्टैटिक जीके पे फुल फ्लेज में काम करना है,
इफ़ यू हैव मैन्यूवर का जीके का स्टैटिक जीके का बुक, उसमें पॉलिटी एक चैप्टर है, उसको यार 10 पेज या 12-15 पेज का है, पढ़ लो उसको, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। सो क्योंकि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आया है जीके में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो ओल्ड पैटर्न मॉक है, 10 मॉक है, भले ही पूरा मॉक मत लिखो बट उसका जीके वाला सेक्शन सॉल्व कर लेना, है ना। और डेली का 1-1 मॉक लिखना चालू करो, 1 ओल्ड पैटर्न एंड 1 जंबल पैटर्न। एंड जंबल पैटर्न तो पूरा कंप्लीट ही करना है, अपने को 5 मॉक हैं, तो वो अगर नहीं लिखा हुआ है तो जाके उसको लिखो अच्छे से। एंड बूस्टर्स, जीके बूस्टर्स जो 3000+ क्वेश्चंस थे, स्टैटिक को लेके 1000+ क्वेश्चन, करंट अफेयर्स को 2000 एंड बिजनेस जीके को लेके, इतने सारे क्वेश्चन जीके में कंप्लीट करने हैं। लीगल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन कम है, लीगल जीके ज़्यादा पूछ रहा है। सो स्टैटिक जीके पे फुल फ्लेज में काम करो। जीके को लेके इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे जैवलिन फेंकने में, तो मुझे ऑप्शन कमेंट में बताओ कि आंसर क्या होगा उसका। ओके, आंसर पोस्ट कर दिया तो ठीक है, नीरज चोपड़ा इज द आंसर। उसके बाद पूछा था भूटान का कैपिटल, थिम्पू है, पता है अपने को। हु गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। सो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जीके को लेकर के, तो ये सब चीज़ें जीके में वर्कआउट करना है। तो लास्ट मोमेंट पे इफ आई टॉक अबाउट, जो भी आपने प्रिपरेशन किया है उसको सिर्फ एक रिविजन मोड पर डालो, मॉक टेस्ट कंटिन्यू लिखो, एंड इट इज़ क्लियर कि आपका जंबल पेपर होने वाला है। और जीके को लेकर के जो वर्कआउट करना है वो एनी सेक्शन इफ़ यू फाइंड वीक इन, तो सेक्शनल कोर्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मॉक को लेके, जीके बूस्टर्स को लेकर के, सेक्शनल को लेके, मिनी को लेके, ऑल द लिंक आई हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन। काइंडली गो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन गाइज, बिकॉज अभी 3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन फुल फ्लेज में मेहनत करनी है। एंड या जिस दिन आपका एग्जाम है, 8 तारीख को एग्जाम है, तो 7 तारीख की शाम के बाद से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना। एंड आई रिकमेंड यू 1 मूवी विच इज नथिंग बट द पर्सूट ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज अ गुड मूवी, यू शुड वॉच इट, एक मोटिवेशन आएगा और अपन रेडी है यार एग्जाम्स के लिए। 120+ हिट करके आना है अपने को, इस साल पेपर ईजी है, ठीक है। सो ऑल द गाइडलाइंस विच आई हैव गिवन यू, जस्ट फॉलो इट। एंड विथ रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन, जीके पे काम करना है और मॉक पे काम करना है, जो जो टॉपिक मैंने बताया उसको अच्छे से स्क्रूटिनाइज करो, अच्छे से उसको एक बार वापस से एक्सप्लोर करो। एंड फॉर प्रिपरेशन इफ यू वॉन्ट एनी असिस्टेंट, ऑल द लिंक आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। सो प्रिपेयर वेल गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आएंगे इस बार।